जीमेल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं, जैसे कि हमने मोज़िला ओपन कर लिया और इसमें हम google.com लिख देते हैं। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ से हम जीमेल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और जीमेल ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से जीमेल खुल जाता है। यदि हमारी पहले से ही ईमेल आईडी बनी हुई है जीमेल पे, तो हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल के उसको ओपन कर सकते हैं। और यदि हमको नया जीमेल आईडी बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ से क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो एक छोटा सा हमको ये फॉर्म फिल करना होता है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, जैसे कि अभी हमको विकास और लास्ट नेम जैन नाम से ईमेल आईडी बनाना है। इसके बाद जो सियोर यूजर नेम के अंदर जो भी ईमेल आईडी हमको बनाना है उसको टाइप कर देते हैं, जैसे कि मेरे को विकास जैन 9753 0 नाम से बनाना है, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद क्रिएट ए पासवर्ड में हम पासवर्ड टाइप करते हैं, जो भी पासवर्ड इस ईमेल आईडी का रखना है, तो पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए इसमें, तो यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप कर देते हैं कि हमने पासवर्ड टाइप कर दिया। और कंफर्म योर पासवर्ड में दोबारा से वही पासवर्ड टाइप कर देते हैं। और दोनों पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जेंडर का मतलब होता है कि मेल फीमेल, तो हमने यहाँ से मेल ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए आता है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, जिस मोबाइल नंबर से आपको इस ईमेल आईडी को रखना है। यहाँ पर मैंने ये मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। इसके बाद योर करेंट ईमेल एड्रेस में, इस समय जो आपका कोई भी ईमेल आईडी हो, जीमेल का, याहू का, रेडिफ का, हॉटमेल का, कोई भी ईमेल आईडी को हम डाल देते हैं। जैसे मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दी है यहाँ पर, यहाँ पर जीमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर हम स्किप दिस वेरिफिकेशन पर टिक कर देते हैं। इसके बाद आई एग्री पर टिक लगा के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमने नंबर डाला था उस नंबर पे एक ओटीपी पासवर्ड पहुंचता है, वह पासवर्ड हमको कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टाइप करना होता है। वेरिफिकेशन कोड डाल के हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं या जीमेल आईडी ओपन होना स्टार्ट हो जाती है, या जीमेल आईडी ओपन हो जाती है। जीमेल आईडी ओपन होने के बाद यहाँ पर इनबॉक्स के अंदर हमारे जितने भी मेल आते हैं वह शो होते हैं, और यदि हमको कोई न्यू मेल किसी को सेंड करना होता है, इसके लिए हम यहाँ से कंपोज में जाते हैं। यहाँ पर टू के अंदर जिसको भी मेल सेंड करना है उसका ईमेल आईडी टाइप करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट में किस बारे में आप मेल सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने हाय हेलो लिख दिया, और यहाँ पे जो भी मेल हमको भेजना है वह टाइप कर देते हैं। यदि इसके साथ हमको कोई फाइल भी सेंड करनी है, कोई डॉक्यूमेंट है या कोई रिज्यूम है या कोई अदर फाइल है, तो यहाँ पे हम अटैच फाइल पर क्लिक करके उस फाइल को यहाँ से ऐड करा देते हैं इसमें। और ऐड कराने के बाद यहाँ पर हम सेंड पर क्लिक कर देते हैं या मेल उस व्यक्ति पे सेंड हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास कोई मेल आता है वो हमारा इनबॉक्स में जाके शो होता है, और यदि इस ईमेल आईडी को हम बंद करना चाहते हैं तो हम कभी भी यहाँ से डायरेक्ट बंद नहीं करते हैं, यहाँ से हमको साइन आउट करना होता है, तब ये प्रॉपर बंद होती है।